ज्यादा मीठी तो नहीं, पी के देख ले। चलो पी के देख के खाओ। खाने खा ही रहे हैं हम, जो शो हम कर रहे हैं ना इतने टाइम से, मुझे लग रहा है हम खा ही रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। जिम विम भी कर रहे? नहीं जिम तो मैं कर रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं जिम जाने का टाइम मिल रहा? मेरे को नहीं मिल रहा यार। मिलता मेरे को भी नहीं है, मैं जब चला जाता हूँ मेरी वीडियो बन जाती है मुझे लग रहा है। देखो मेरा और जिम का ना रिश्ता, टेबल के पीछे शूट करने का एक आनंद ये भी होता है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यू कैन हाइड योरसेल्फ। जहाँ से हम मोटे रखने शुरू होते हैं वो एरिया ढक चुका होता है। यू कैन हाइड योर शाय पार्ट्स। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं परम कालरा। अब परम कालरा की मैं इंट्रोडक्शन पढ़नी शुरू करूंगा, बिल्कुल मैं लिख के नहीं लाया हूं क्योंकि मुझे मुंह जुबान याद है। परम कालरा पूरे चंडीगढ़ ट्राई सिटी, चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली के जो सबसे लार्जेस्ट कोवर्किंग स्पेसेस हैं स्टार्टअप नेशन, परम उनके फाउंडर हैं। परम ने बिल्कुल ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है आई टैपिट, जिसके बारे में हम इस प्रोग्राम में अभी बात करेंगे। परम इज़ द को फाउंडर फॉर आई टैपिट। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो स्टार्टअप कमेटी है के रीजनल चेयर हैं परम कालरा। और परम क्या क्या कर रहे हो? बस मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूँ बट और आज परम ने मुझे वक्त दे दिया है, फाइनली मेरे को वक्त दे दिया परम ने। वक्त तो मुझे खुद मांगना पड़ता सुबह उठ के इतना। किससे? खुद से मांगना पड़ता। हाँ नहीं मुझे मतलब हम परम कब से एक दूसरे को जानते हैं, हो गया हमें चार पाँच साल हो गए है ना। एंड परम को मैंने आई हैव सीन परम गोइंग फ्रॉम वन ऑफिस टू सिक्स ऑफिसेस। हाँ इतने हो गए हैं मतलब है ना, छः ऑफिसेज हो गए हैं। और परम इज़ वन पर्सन जिनको मैं फ़ोन करता हूँ एंड दो तीन इनके स्टैंडर्ड जवाब होते हैं, साहब आप बिज़ी हो मैं भी बिज़ी हूँ। दूसरी चीज़, आई हैव नेवर हर्ड द वर्ड नो फ्रॉम परम। कुछ भी चीज़ है परम विल से ओजस्वी भाई करते हैं लेट्स डू इट, मतलब या तो ही इज़ वेरी अपफ्रंट, आइदर वो काम नहीं होगा या वो काम बिल्कुल होगा, ये बीच में टांगने वाला काम नहीं है। और इसी वजह से परम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। परम वेलकम टू द शो। थैंक यू। वेलकम टू माय ऑफिस। वेलकम टू द ऑफिस आल्सो। हाँ एंड परम को हम स्वागत किया हमने RFE Unplugged पे। परम आपने अभी तक हमारे जितने भी एपिसोड्स देखे हैं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये जो कैंडिड वाला सीन है ना, जिसमें हम केक भी खा रहे हैं चिप्स भी खा रहे हैं, ये देखो अगर आप फिटनेस वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जिम क्यों जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब हम आते हैं तो चिप्स एंड केक हमारे लिए सर्व किया जाता है। ये खाना ज़रूरी है, ज़रूरी है। आपको जिम जाना है वो आपका अलग रेजिम, अलग रेजिम, जाओ ना जाओ हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे ऑफिस में आओगे तो कुछ थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। मुँह मीठा और नमकीन दोनों कराते हैं। परम कैसा, कैसी जर्नी? मैं मुझे पता है आई विल नॉट टॉक अबाउट परम जर्नी बिकॉज परम जर्नी इज इट्स सेल्फ अ बिग चैप्टर। और मुझे याद है हम ऑफिस में, याद है ओपनिंग लॉबी में सोफे पे बैठे हुए थे एंड हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे हमने लाइफ में कितने पापड़ बेले हैं। बहुत है ना। याद है कहाँ कहाँ जाना पड़ा, क्या पंचकुला ना सबसे पहले। हाँ नहीं कहीं इवेंट पे मिलोगे। अब एक्चुअली वी हैव लॉस्ट ट्रैक कि हम सबसे पहले कहाँ मिले थे। अब हम गेस वर्क कर रहे हैं कि हम कहाँ मिले थे। आई थिंक पंचकुला मिले थे, पंचकुला ऑफिस या किसी इवेंट पे मिले होंगे, या आई एम रियली नॉट श्योर कि हम कहाँ मिले थे। पर वो स्टार्टिंग के डेज थे पंचकुला ऑफिस में, हम बाहर बैठते थे लॉबी में बैठते थे, फिर मोहाली ऑफिस में, फिर चंडीगढ़ 34 सेक्टर ऑफिस में, फिर अब इस ऑफिस में, मतलब और वो जिम्स के ऊपर भी जो ऑफिस था वहाँ पे भी मैं आया हूँ। इनॉग्रेशन पे वहाँ पे भी तो आया हूँ जब वहाँ पे बुक रीडिंग भी थी और वो सब, तो मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो परम आई कैन से वेरी प्राउडली इज़ वन पर्सन जिसने इस पूरे ट्राई सिटी रीजन में जितने भी स्टार्टअप्स हैं इकोसिस्टम में परम्स इंफ्रास्ट्रक्चर, परम्स गाइडेंस, परम्स मेंटरशिप हैज़ बीन अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटर। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी नया स्टार्टअप परम कालरा के पास आते हैं
तो वो मतलब आई थिंक ही हैज समथिंग वेरी डेफिनेट, समथिंग वेरी पॉजिटिव, समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव एंड दैट सेट्स द स्टार्टअप ऑन द राइट पाथ. परम कालरा से कुछ ना कुछ एक गिफ्ट गुडी बैग लेके जाते ही जाते हैं. परम कैसे करते हो, हाउ मेनी स्टार्टअप्स, कितने स्टार्टअप्स आपको लगता है कि आप आज तक मिल चुके होंगे? नहीं, आई मेट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोग नए भी आते हैं मिलने. तो जनरली दे आर इम्प्रेस्ड विद आवर जर्नी, द वे वी स्टार्टेड जीरो से, देन वी मेड अ लॉट एंड देन वी एक्सपैंडेड टू अ लॉट ऑफ ऑफिसेस. तो डिस्कशंस में हमें यही लगता है कि एवरीवन शुड बी मोटिवेटेड, बहुत जरूरी होता है. आप जो थके हमने खाए वो बाकी ना खाएं. हाँ, एग्जैक्टली. सो वीव गॉन zigzag दिस वे, तो एटलीस्ट वी कैन carve आउट वन स्ट्रेट लाइन फॉर एटलीस्ट समवन कि उसको ये zigzag ना जाना पड़े. तो यही मोटिव रहता है. बट यू नो, एक जर्नी जो है उसको जीना भी बहुत जरूरी है. बट अगर हमें लगता है कि वी कैन कट द कॉर्नर्स एंड शॉर्टन इट फॉर समवन, तो हम वो भी जरूर करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास जो है, जितना है, वी लव टू ऑफर दैट टू एवरीवन. कैसे आप टाइम निकालते हो, खुद के लिए टाइम निकाल पाते हो? खुद के लिए बहुत टाइम निकालता हूँ मैं. I have a lot of time for myself. क्या करते हो? I enjoy a lot. I travel a lot. हाँ, travel पर हम travel करते हैं. हाँ. I be with my friends. I spend evenings with my friends. I eat out to in a lot of places, a lot of cafes. I explore cafes all around the city. हाँ. बाहर जाके भी. So I take a lot of time for myself. तो आसपास कौन सा कैफे है जो भी recently you visited? कौन सा experience है? There are a couple of cafes. एक कप एंड किताब करके है, एक बॉस्टन बाइट्स करके है. मोहाली is coming up with this new scene of cafes. Cafes. जो पहले नहीं होते थे इतने. तो but it's coming up nicely. मजा आ रहा है. पर हमने बाइक भी ली है ना? बाइक पे भी यू आर ट्रैवलिंग नाउ? हाँ, बाइक पे एक दो राइड. तो ऑफिस आर यू कमिंग ऑन द कार नाउ, इन द कार और ऑन द बाइक? ऑफिस कार पे ही आता हूँ, लेकिन बाइक ऑफिस में ही खड़ाई हुई है. खड़ाई हुई है. इट्स इन द अदर ऑफिस. मैं अभी यहाँ बैठा हूँ एंड इफ इट्स पॉसिबल, मैं शायद ये लैंडस्केप जो पीछे नजर आ रहा है सिटी का, बिकॉज वी राइट नाउ वी आर ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. तो ये जितने भी अब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, एंड लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज हैव incredibly, you know, contributed to the economy and also employment. Employment 2020 or 21 का सबसे major challenge रहा है. Right. जहाँ पे लोगों को घर बैठना पड़ा and work from home बहुत शुरू हुए. And wherein your business was right there on calling people to office, the co-working space. Exactly. तो कैसे रहा आपका ये time period? I would say entirely 2020 and 21. It was a great lesson. हमने बड़ी अच्छी तरीके से इसको एम्ब्रेस किया कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एम्ब्रेस्ड. एंड इससे ना खफा होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कि 2020 में हमारा काम आधा रह गया, बंद हो गया, वट एवर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थॉट कि दिस इज समथिंग दैट्स हैपनिंग टू एवरीवन, हम अकेले नहीं हैं इसमें. एंड सेकेंडली, अगर हमारा काम रियल एस्टेट बेस्ड है तो दुनिया में किसी का काम भी हो सकता है जो रियल एस्टेट बेस्ड है, और भी बहुत सारे लोग हैं. सो व्हाट टू लर्न आउट ऑफ इट. Now, of course, this time came with a lot of virtualities and sare meetups virtual ho gaye, sare meetings virtual ho gayi. Jis kaam ke liye pehle log flight pakad ke Bangalore jaake sign karke wapas aate the, right, to ab wo sare online hone lage. So then we thought, you know, we should come up with new ideas ki hum isko kaise kar sakte hain. Of course, hum किसी को पैंडमिक में ये नहीं बोल सकते कि आओ ऑफिस जरूर आओ, जस्ट बिकॉज ये हमारा बिजनेस मॉडल है, यू नीड टू कम टू ऑफिस. बट वी केम अप विद न्यू आइडियाज, वी केम अप विद कपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जिस पे हमने काम करना शुरू कर दिया साइड बाय साइड. हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो चल रहा है, दैट विल बी बैक टू बिजनेस समडे, लेकिन हम और चीजों पे काम करते हैं, लेट्स ऑक्यूपाई आवरसेल्व्स. उस टाइम ने बेसिकली हमें बहुत सिखाया. उस टाइम ने हमें पैसे की वैल्यू सिखाई है, उस टाइम ने हमें सेविंग सिखाई है. मेरे को पर्सनली सेविंग बहुत सिखाई है. आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा कि मैं कभी सेविंग नहीं करता था. एंड आई एम टेलिंग परम के फ्रेंड्स एंड फैमिली शो देख रहे हैं, तो दे विल कम टू नो, दे विल एग्री. मैं कभी सेविंग नहीं करता था. आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन अ लॉट ऑफ सेविंग. या आई हैडंट हर्ड दीज वर्ड्स कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड गोल्ड में लगा दो, ये मैंने कभी सुना नहीं था, सोचा भी नहीं था. तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस and I kind of started enjoying it. मुझे मज़ा आने लग गया म्यूचुअल फंड्स में, ये वो इधर उधर. तो येस, दैट्स एन एडिशन टू माई लाइफ. एंड अब मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले 7-8 साल में कुछ नहीं किया तो मेरा नुकसान हुआ है.
तो अब मैं आई हैव लर्नड इट फ्रॉम दिस टाइम के वन शुड सेव फॉर द रेनी डे तो ये करना शुरू किया फिर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस iTapet प्रोडक्ट दैट यू हैव सीन iTapet मैं कैमरा पे सेंटर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ इट्स अ कार्ड है ना फोकस हमारे भी वापस आएगा सो ये एक स्मार्ट बिजनेस कार्ड है एंड वी केम अप विद दिस आइडिया इन पैंडेमिक इटसेल्फ यू नो वी शुड बी सस्टेनेबल एवरी डे वी शुड बी सस्टेनेबल एंड हमें अच्छे अच्छे नए नए आइडिया सोचने चाहिए जस्ट टू सेव आर एनवायरमेंट ये आइडिया वहाँ से निकला एंड देन वी मेड दिस टैप बेस्ड बिजनेस कार्ड सो यू जस्ट टैप इट ऑन एनी फोन करेक्ट एंड इट शोज यू माई कम्प्लीट प्रोफाइल वंडरफुल तो इस पे करके देखें हम टैप लेट मी शो इट टू द ऑडियंस मैं दूसरा करवाता हूं हां जो जिस पे वर्क करता है लेट मी सी सो दिस इज वन हां तो ये मेरा फोन है एंड ये iTapet लगा इसके साथ में सो ये दिस इज माय पर्सनलाइज्ड कार्ड हां ये टच किया एंड ये इंफॉर्मेशन आ गई ऑन द ब्राउजर और ये लोड हो गया हां ओ आ गया करेक्ट तो इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ गई So you see my Facebook, Twitter, Instagram, all the social media links, email ID, website, and my website, another website. So you can have all this information. Now we have added that you can have your catalog, your payment link. Understood. Well. So and with one touch, you can save the contact on your phone and you can revisit it again. So this is again a case study which I think discussed with you. It's a great way where iTapet as a concept has come up also to save paper yeah exactly hai na kyunki aap visiting card print karte hain dher sare people ask for your contact and kuch bhi to param just came up with this thought ki agar aapke phone mein nfc enabled hai to you just tap it aur aapka contact details sari isme load ho jati hain dekho right from every social media link to your mobile number to everything jo isme personalized feed hota hai and that the other person can save So, you know, it's something really cool. मुझे तो बड़ी पसंद आई भाई. It's working wonders. Rather, everyone is trying to shift to these cards because इससे बहुत ज़्यादा accountability बढ़ जाती है. आप लोग कहाँ tap किया, कैसे tap किया. और support चंडीगढ़ based startup, this whole concept. And because I assure you, the brainchild behind this concept is sitting right next to us. Guarantee यही है और प्रोडक्ट काम कर रहा है आपने देख लिया है सो iTapet की वेबसाइट पे जाके आप यू आई थिंक सब अपना पर्सनलाइज नेम कार्ड बना के ले सकते हैं इसमें ना सो वी हैव टू ऑप्शंस एक ये हेलो कार्ड है दिस इज व्हिच इज वेरी जेनेरिक जो एनएफसी टैप के साथ चलता है इसमें यू कैन हैव योर नेम एक ये नेम कार्ड है और वो जेनेरिक वाला दिखाना मेरे को सो दिस इज अ हेलो कार्ड जेनेरिक हेलो कार्ड और कस्टमाइज में सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कस्टमाइज्ड एंड दिस दो सेट ऑफ कार्ड्स किस लिए सो इसमें दो ही हैं ऑप्शंस एक है इट्स अ जेनेरिक कार्ड जिसमें ये सस्ता है इसका प्राइसिंग कम है एंड दिस वन इज अब इसका भी डिजाइन चेंज हो गया बेसिकली सो वी हैव कम अप विद अ वेरी न्यू डिजाइन अ प्रो ग्रे कार्ड ऑन द अदर साइड यू कैन हैव योर नेम एंड कस्टम क्यूआर कोड वंडरफुल तो किसी ने कुछ इनोवेटिव ट्राई करना है यू वांट टू सेव ऑन पेपर और अपने वॉलेट में एक सिंगल कार्ड आप रख के यू कैन जस्ट फ्लॉन्ट अराउंड हम लोग तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं फ्लॉन्ट अराउंड नई चीज़ें हैं ना वी आर टेकीज तो हम कोई ना कोई नया प्रोडक्ट पहले ट्राई करना डेफिनेटली पसंद करते हैं पर हम टेक्नोलॉजी में व्हाट डू यू लाइक मोस्ट व्हाट इज मोस्ट क्या आपको आपका क्यूरियोसिटी फैक्टर क्या है आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्साइट मी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आजकल क्रिप्टो करेंसीज हाउ ब्लॉकचेन्स वर्क अच्छा तो आजकल मैं थोड़ा सा वो भी देख रहा हूँ कि हाउ डज इट ऑल वर्क आम बंदे को टेक्नोलॉजी में दो चीज तीन चीजें समझ में आती हैं एक मोबाइल फोन खरीद लो एक टैब खरीद लो एक लैपटॉप खरीद लो ये शौकीन लोग आते हैं हमें पूछते हैं भाई साहब आप कैमरा कौन सा यूज करते हो कैमरे खरीद लेते लोग आप परम देखो सी द लेवल ऑफ यू नो कहाँ पे परम he is talking about cryptocurrency. नहीं नहीं कोई level की बात नहीं है. नहीं आम बंदे को पूछो ना कि cryptocurrency वो dictionary आधे लोग खोलेंगे पूछेंगे या की कहता है. तो जिनको आप आम लोग बोल रहे हो ना यही ज़्यादा. वो मैं बताता हूँ वो किसी और काम में खास. वो इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि उनको जरूरत नहीं है कि टेक्नोलॉजी से मथा मारे. एग्जैक्टली सबकी किसी का कोई काम अच्छा किसी का कोई काम अच्छा. तो परम और आपने क्या टाइम में किया
एक और हमने चीज बनाई है, वी कम अप विद अ फ्यू आइकॉनिक प्रोडक्ट्स. आइकॉनिक है ना, हाँ आइकॉनिक. सो वी कम अप विद दीज फ्यू नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ केयर एंड यू नो दे आर सर्टेन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड विच आर टोटली केमिकल फ्री. राइट, तो वो चीजें हमने फाइंड आउट की हैं. वी फाउंड समवन हु वाज मेकिंग दिस एंड देन वी स्टार्टेड वाइट लेबलिंग दैट प्रोडक्ट. तो उसका एक पोर्टल बनाया हमने जिसमें चार पांच ब्रांड्स हैं हु आर टोटली इनटू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले सेल्फ केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स. सो एंड दैट इज समथिंग दैट्स रियली एक्साइटिंग. मुझे बहुत मजा आ रहा करके क्योंकि पहली बार ऐसी कोई चीज की है विच इज आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ स्टार्टअप नेशन. प्रोडक्ट में चले गए, प्रोडक्ट्स में चले गए. तो आजकल वो भी बेच रहे हैं, मजा आ रहा है. नहीं, बट द अगेन थिंग इज द सेंट्रल पॉइंट इज ई कॉमर्स दैट यू आर सेलिंग इट ऑनलाइन, है ना? राइट. तो परम, मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को फैक्टर लगता है कि हाउ यू आर डिजाइनिंग योर ऑफिस. लेट मी टेल यू, स्टार्टअप नेशन हैज वन ऑफ इज वन ऑफ द most coolest places to be, whether you know I've seen design evolving. Main jab and jab pehla wala khola tha, the design is there, then you read it, the whole wall arts and everything. Yeah, hai na? Then I saw the Panchkula office route, phir you read it that also, matlab they are evolving their designs as well. Phir then I jab naya khola, when we had the office in Chandigarh, so it was again a whole new layout, whole new design concept, design. Yeah. Now I walked into this place, this looks like a matlab office concept. Mujhe ab samajh nahi aa raha ki Param is making offices or is he making hotels, kya bana rahe ho yaar tum, ye dimag kiska jata hai itna interior work mein. Nahi, offices hi hain. I think hum bahut piche the logo se, interiors ke mamle mein bahut piche the. Hamare paas paise nahi hote the kabhi इंटीरियर्स में लगाने के लिए. दिस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव वर्क, तो इसमें बहुत सारा कैपिटल जाता है जब आप शुरू करते हो कोई स्पेस या कोई फ्लोर लेते हो. तो हमारे पास हमेशा पैसे शॉर्ट होते थे. हम पहले स्टार्ट करते थे कि ये हम करेंगे जी, पहले वर्क स्टेशन बनाएंगे, देन वील सेट आउट द टोन एंड देन वील डू द वॉल्स एंड एवरीथिंग. एंड में ना हम एक बजट छोड़ देते थे एलिमेंट्स के लिए कि हम ना एलिमेंट्स ऐड करेंगे, हम फोटो फ्रेम्स लगाएंगे, हम कहीं पे वॉल आर्ट देंगे या कुछ है. बट बिलीव मी, वो एंड तक हम कभी पहुंचते ही नहीं थे. एंड मैं, लेट मी टेल यू, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, इनके ऑफिसेज सोल्ड आउट होते हैं, जगह नहीं मिलती है. आप अभी भी एंटर कर लो. यू, आई एम टेलिंग यू, यू कम टू मोहाली, दिस स्टार्टअप नेशन प्रीमियम. अब गूगल मैप पे सर्च कर लेना, यू कम हेयर और गेट से एंटर करने के बाद, मतलब अब तो वेटिंग पीरियड शुरू हो चुका होगा. वेट कर रहे हैं ना, वेटिंग में चला गया ना. ये एडमिट नहीं करेंगे, ये एडमिट नहीं करेंगे. द आईडिया इज सोल्ड आउट. हमारी ये सोच है कि हम किसी को ना ही नहीं करते ऑफिस स्पेस के लिए. ये मैंने शो के स्टार्टिंग में बोल दिया था, पर हम कभी भी ना नहीं करते, बिल्कुल ना नहीं करते. हम ना नहीं करके राजी किसी को. तो अगर हमारे पास स्पेस ना भी हो, हमारे पास एक चैलेंज बन जाता है, हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, हम नया फ्लोर ले लेते हैं, नई चीजें और देख लेते हैं. तो हम किसी को ना नहीं करते, तो वेटिंग पीरियड हम होने ही नहीं देते. एग्जैक्टली. सो व्हेन आई वाज लास्ट स्पीकिंग टू परम, लास्ट तो पता नहीं, हमने शो से एक घंटा पहले ही बात की होगी, लास्ट मतलब लास्ट ईयर कभी बात कर रहे थे, तो परम ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं दर्शकों को बताऊंगा कि ही सेड कि आप आ जाओ, यू टेक योर ऑफिस इन आवर प्रेमाइसेस एंड जस्ट फोकस ऑन वर्क, वी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. यू डोंट हैव टू वर्क अबाउट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बट जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड बिजनेस ग्रोथ. ऑफिस मैनेजमेंट एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना? ये मुझे, आई मीन इट्स अ बिग, जो कहते हैं ना, एक सिरदर्दी का मामला होता है कि लाइट नहीं है, ACs are sometimes not working, internet is not there, there is breakage, everything. So these things, I mean, their company takes care of absolutely in a very beautiful way. Thank you. See, ये होता है कि the concept says this. कि अगर आपके घर पे कोई आया है, concept तो यही है hospitality का. कि अगर आपके घर पे कोई आया है, घर पे कोई बैठा हुआ है, तो आपको कैसा, आप उसको environment दोगे, कैसा उसको take care करोगे? So the concept says this. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है.
हमें पहले दिन ये समझ आ गया था कि व्हेन पीपल आर कमिंग इनसाइड एंड सिटिंग इन योर रियल एस्टेट यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. तो कॉन्सेप्ट मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस का भी इससे अलाइन करता है. सो दैट्स हाउ वी आर टेकिंग इट. पर हम जैसे ये ट्राई सिटी रीजन है, इसको हम नेशनल मैप पे अब कैसे देखते हैं? मतलब व्हेन यू कंपेयर, नॉर्मली सॉरी आई हैव यूज्ड द वर्ड कंपेयर एट ऑल, करना ही नहीं, बट व्हेन वी सी द एनवायरनमेंट्स ऑफ आईटी सेंट्रिक और स्टार्टअप सेंट्रिक सिटीज लाइक बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, गुरुग्राम हो गया, तो चंडीगढ़, ये जयपुर इज ऑल्सो अप देयर, भोपाल इज अप देयर नाउ, दे आर ऑल लाइक कमिंग अप. चंडीगढ़ ऐसा नहीं कि इज कमिंग अप, इट हैज़ बिन देयर, इट हैज़ ऑलवेज बिन देयर एंड वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गुड वेदर, गुड कल्चर, एयरपोर्ट्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर. चंडीगढ़ को आप कैसे, इस पूरे रीजन को आप कैसे देख रहे हैं? चंडीगढ़ रीजन मीन्स चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, द होल ट्राई सिटी एरिया. जी, अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड आईटी एंड बिजनेसेस देख रहे हो, आई थिंक इट्स कमिंग अप वेरी नाइसली. अब बहुत फर्क पड़ गया जब हम आए थे. आई केम टू द सिटी इन 2012. हाँ जी, आफ्टर माय ग्रेजुएशन. हाँ जी, तो उस टाइम से और इस टाइम से अगर जहाँ हम बैठे हैं जी, ये उस टाइम पे जगह ही नहीं होती थी. एब्सोल्युटली, आई हैव बीन देयर. मैं यहां, मेरी स्टूडियोस अब ये पीछे जाके पर हां, तो ये उस टाइम पे जगह ही नहीं होती थी. अगर आप डेवलपमेंट देखो तो आई थिंक मोहाली क्लियरली विन्स इन ट्राई सिटी. जितनी डेवलपमेंट मोहाली में हुई है शायद ट्राई सिटी में कहीं नहीं हुई, एंड दिस हैज एडेड टू अ लॉट ऑफ इकॉनमी ऑफ द सिटी. जी, तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हमारे खुद के बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं जो नाउ प्रेफर टू हैव एन ऑफिस इन मोहाली रादर देन यू नो चंडीगढ़ और एनी पार्ट. पहले लुधियाना होता था, वो नहीं. सो इट्स ग्रोइंग वेरी नाइसली. तो ये टाइमलाइन देख के मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आने वाले सालों में आई थिंक मोहाली विल बी वन हॉटस्पॉट सिटी ऑफ द नॉर्थ. प्लस यू नो लॉट ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री इज ऑल्सो कमिंग इन, सिनेमा है, देन दीज सॉन्ग्स इंडस्ट्री, आईटी हैज बीन ऑलवेज द बैकबोन ऑफ द सिटी. चंडीगढ़ में आईटी कंपनीज की कमी नहीं है, आईटी टैलेंट की कमी नहीं है. इट्स ऑल यू नो इट्स ऑल अबाउट ट्रैपिंग द टैलेंट विद इन द रीजन नाउ. मुझे लगता है कि जो अच्छा टैलेंट है वो बाहर नहीं जाना चाहिए. सो वी हैव टू प्रोवाइड दिस टैलेंट इनफ रीजंस कि वो स्टे करें इस सिटी में. करेक्ट. यू नो व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल फ्लाई ऑफ टू बैंगलोर और पुणे और दिल्ली, तो वो रीजंस हमें इस शहर में लेके आए. करेक्ट. देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी, देयर इज नो डर्थ ऑफ बिजनेस, देयर इज नो डर्थ ऑफ द इंटेंट टू डू इट. इंटेंट बहुत स्ट्रांग है हम लोगों का, तो उसकी कोई कमी नहीं है. इट्स जस्ट दैट अब एनवायरमेंट ऐसा जबरदस्त होना हो जाना चाहिए कि द फोकस शुड बी ऑन ट्राई सिटी एंड इट विल कम अप वेरी नाइसली. करेक्ट. सो जब हम कहते हैं कि मतलब जो हमें पता है कि दैट यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद द ट्रेड यूनियंस, विद द एसोसिएशंस लाइक द PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट, एंड देन यू आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एट द वेरी सेंट्रल लेवल व्हेन दे लुक एट चंडीगढ़, यू नो, एज अ रीजन वेयर दे कैन सेटल एंड प्रॉस्पर. बिकॉज आई फील द एडवांटेजेस हेयर आर प्रीटी मच इन टर्म्स ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टोटैलिटी. व्हेन वी सी देर इज लेस ट्रैवल टाइम, देर इज लेसर कॉस्ट ऑफ लिविंग हेयर एज कम्पेयर टू इफ आई लिव इन मुंबई और इन बैंगलोर. यू नो रेंटल्स हेयर आर स्टिल, बैंगलोर हैज ह्यूज ट्रैफिक है. ट्रैफिक है, इट took me 20 minutes to travel 1 kilometer in a cab. So even if I am doing equal amount of business here, I mean making money, I am able to save, you know, saving wala factor wahi aa gaya. I am able to save a little more. And then we also have, you know, a good talent. Yehi talent to we have the best of engineering, medical, you name any kind of a college or an institution that exists here. So we have a huge talent bank also that's coming, that's well read, well equipped right now. हमारे पास talent की कमी नहीं है, talent बहुत ज़्यादा है हमारे पास. एक मुझे जो कमी लगती है कि we are not very open to exposure. हम लोग उसका reason क्या है मुझे बताओ. उसका reason ये है कि हमें ये कभी सिखाया नहीं गया कि exposure कोई चीज़ होती है. You know, first of all, we take travel as a luxury, जो सबसे बुरी बात है. Travel is not a luxury. Travel gives you exposure. Then you should definitely take out trips to the places that inspire you. हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि you know Bangalore है, Mumbai है, Delhi है. They are very inspiring cities and you know they are very vibrant in terms of startup culture. बहुत धंधा चल रहा है वहाँ पे. But we never visit those cities.
हम वहाँ पे देख के तो आए कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इकोसिस्टम ऑफ द टू सिटीज. सो एटलीस्ट वी शुड गो आउट, वी शुड हैव सम एक्सपोजर, वी शुड एटलीस्ट हैव सम फ्रेंड्स देयर, सम नेटवर्क्स देयर. सो आई थिंक दैट इज वेरी मच मिसिंग इन द पीपल ऑफ दिस रीजन, व्हाट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन. आई मे बी रॉन्ग बट मुझे एक्सपोजर की कमी तो लगती. जब हम नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं, सो डू यू, व्हाट इज़ योर थॉट ऑन कि भाई यहाँ पे लोगों की नेटवर्किंग करने का क्या थॉट रहता है, बैकग्राउंड थॉट, कि वो किस लेवल तक नेटवर्क करना चाह रहे हैं, एंड आर दे ओनली नेटवर्किंग टू सेल, यू नो, बिकॉज व्हेन आई मीट पीपल दे पहले मिनट में ही, सर बस हमने ये शुरू किया है इसमें इतने पैसे भर दो, ये शुरू किया है इसमें इतने पैसे भर दो. इन एवरी टाइम यू मीट इतने नंबर ऑफ लोग, एंड मैं वही आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, दे आर जस्ट नेटवर्किंग टू सेल, राइट. एंड सो व्हाट इज द इंटेंशन दैट यू सी इन पीपल हियर राइट नाउ. एक चीज मैं पहले बता दूंगा कि एक चीज जो मैंने नेटवर्किंग के बारे में सीखी है, इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू यू नो कीप मीटिंग न्यू पीपल एंड मेंटेनिंग दोज रिलेशनशिप. अगर हम दोनों आज यहाँ पे बैठे हैं, सो वी जस्ट नेटवर्क समवेयर वंस एंड वी आर सिटिंग हियर इन आवर थर्ड और फोर्थ इंटरव्यू, आई गेस वी डन सो मच टुगेदर. टुगेदर मतलब हिसाब मैंने काउंट छोड़ दिया है, मुझे भी नहीं, वी हैव डन सो मच टुगेदर. तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप एंड कीपिंग दोज रिलेशंस इंटैक्ट. So networking is all about relationships. अगर आप सोचो कि you know it's a cash cow that you are going somewhere and you just pitching for some you know product, it doesn't work that way. And plus you have to understand you know everyone. So you have to understand that what is this segment in the networking doing for you. अगर आपको लगता है कि आपको direct फायदा चाहिए किसी से, so I think it takes a lot of time. Otherwise आपको सिर्फ इतना analysis होना चाहिए कि जो ये मेरा network है उसमें इतने लोग intellectual हैं, इतने लोग investors हैं, इतने लोग mentors हैं, इतने लोग कुछ नहीं करते. So you just understand that and keep them you know always close, always in mind and keep helping people. ये मैं second बोल रहा हूँ point, but this is the first point. So when you want to make a relationship with someone, just help that person in the first place and don't expect anything back. And you'll be amazed. कि जैसे आपको लोग प्यार देंगे इतना मजा आएगा. Young या emerging entrepreneurs जो देख रहे हैं, entrepreneurs is the word है ना, तो उनको आप, now you are the regional chairperson, you're doing a lot of things. उनको what is the 1-3 points of advice that you can give them? The first one is just do it. Execution is king. मैंने बहुत बारी देखा कि जो नए entrepreneurs, budding entrepreneurs, student entrepreneurs आते हैं, they keep thinking on an idea. सोचते रहते हैं, ये जी हमने पेटेंट में डाल दिया है, एक एक साल हो गया पेटेंट, हम वेट कर रहे हैं जब आएगा तब काम करेंगे. This a lack of execution generally in those stages. क्योंकि हमें पता भी नहीं होता ये इकोसिस्टम और ये वर्ड्स ऐसे हैं. आपको आसपास व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप इन एन इकोसिस्टम, तो आपको लगता है कि पता नहीं फंडिंग मिल जाएगी, पता नहीं मेंटरशिप मिल जाएगी, तो कुछ हो जाएगा. देयर इज नो सीक्रेट सॉस जो आपको एक दिन मिल जाएगी और आपका काम चल जाएगा. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग इट. इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली. अगर मैं 8 साल पहले का अपने आप को इमेजिन करूँ, 9 साल पहले का और अब का इमेजिन करूँ, देयर इज अ सी ऑफ डिफरेंस इन माय पर्सनल ग्रोथ, इन माय प्रोफेशनल ग्रोथ. एंड मुझे पहले दिन भी यही लगता था कि मैं चैंपियन हूँ, मुझे आज भी यही लगता है मैं चैंपियन हूँ. करेक्ट. तो वो चीज़ कॉन्स्टेंट है, राइट. वो मेरे मन में अपने आप को, मैंने एक वो ऑल इज वेल वाला वो रखा हुआ है. जैसे वो मूवी में था. नहीं, ड्राइविंग फोर्स भी यही है जिसको कहते हैं ना, सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, वी कैन डू इट. हाँ, हम कर सकते हैं. ये फीलिंग अगर आज आपके अंदर खत्म हो गई है तो आप एक दिन भी नथिंग एल्स. यार, देयर इज नथिंग एल्स. अब देखो कोविड का टाइम निकला, सबने कॉन्फिडेंस और विल पावर से ही निकाला. बी देयर कॉन्स्टेंटली, वो होनी चाहिए. दैट विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव सीन 80 इयर्स ओल्ड पीपल गेटिंग यू नो better after COVID, and I've seen 30 years old people going away in COVID. I will not say that you know it's someone's fault, but you know that willpower is very important. Absolutely. What does an 80 year old man, a person has, you know, willpower is the most part of it. और सबसे जरूरी है family. परम की माता जी का भी फोन आ रहा है और मेरी माता जी का भी फोन आ रहा है, और मैं इससे पहले कि माता जी को कॉल बैक करें, मैं परमिंदर से मिलवा दूँ. आओ प्लीज परमिंदर, आप बीच में आए. And ladies and gentlemen, he is
अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें प्लीज। हाँ आप नीचे झुके, थोड़े झुके झुके नजरों में बात करें। ऑल राइट, हाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड माई नेम इज परमिंदर, आई एम अ क्रिएटिव हेड एंड लीडिंग द डिजाइन हेयर एट आई टैप इट। आई टैप इट गाइस, जो आपने देखा था, यू सी दैट डिजाइन इनका है। एंड एवरीथिंग गोस, बस ये देखो। सो रियल गाइस हु आर वर्किंग बिहाइंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, वी हैव देम ऑन द शो। आपको कैसा लग रहा है? लोग फोटो बॉम्ब करते हैं, आपने शो बॉम्ब किया पीछे से चल चलते आते ही लिटरली। ये परमिंदर जी जो भी करते हैं नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट लेवल ही करते हैं इनसे कम। इन्होंने छोटी बात कभी नहीं की। कैसा लग रहा है आपको शो बॉम्ब करते हुए? थैंक यू। जब परम ने बोला ना कि आप शो पे ही चल रहे हो, ये मजे से आके टेबल पे बैठ गए, मैंने कभी इनकी इंट्रोडक्शन कराई थी। आई थॉट यू गाइस आर ओवर विद इट एंड यू वर जस्ट डिस्कसिंग समथिंग। या चाय वाय पी रहे हो तुम लोग? आने शो की खासियत, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो, इट्स वेरी कैंडिड, वेरी कैंडिड एंड वेरी यू नो कैजुअल शो। एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू नो नेचुरली यू कम विद ऑल द थॉट्स एंड एवरीथिंग, राइट? इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर यू, दैट्स ग्रेट। आजकल हम नेचुरल नेचुरल ज्यादा कर रहे हैं, आजकल हम नेचुरल नेचुरल ज्यादा कर रहे हैं ना, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का काम कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स में हो, आई विल सिट देयर एंड वॉच यू, आई विल बी योर ऑडियंस। वी वर टॉकिंग अबाउट द यू नो जस्ट डू इट एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स। आई थिंक इट्स अ जर्नी। अगर लेके चलेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बना के इन्वेस्टर्स को पिच करना है, दैट इज माई गोल। इन्वेस्टर्स ने पैसा दे दिया, वो पैसे को यूज कैसे करना है, दैट इज माय गोल। तो ये सब चीजें गलत है। द गोल इज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी, करेक्ट? दैट इज द गोल। ये प्रोडक्ट आते जाते रहेंगे, पैसे आते जाते रहेंगे, बनते रहेंगे, सेल्स फेल होती रहेंगी, सारे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स फेल होते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड चलने बंद हो जाएंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द जर्नी दैट यू गो थ्रू इट्स समथिंग दैट मेक्स योर लाइफ, इट्स समथिंग दैट मेक्स योर कैरेक्टर। और परम ने जो यंग एंटरप्रेन्योर दो तीन बार बोलना, मैं आपको बता दूं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप यंग हैं, आप यंग ही रहेंगे। मैं खुद यंग हूं यार, व्हाट डू यू थिंक? आई एम 16 हैं, आई एम 16। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आप जिस आप कभी भी अगर आप कुछ भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं तो यू शुड हैव दैट जील। ओल्ड तो ओल्ड फिर थॉट से ओल्ड हो गए, ओल्ड थॉट से होता है। एंड जो भी आज आप इनोवेट कर रहे हैं या कुछ भी आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरली दैट इज नॉट मेंट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, समटाइम्स इट हैज टू गो, यू आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव रख के ही चीजों को ग्रो कराते हैं ना। आप व्हेन द डे एंड्स एंड यू गो होम, आई थिंक ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट इज व्हाट इज योर पर्सनल डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन योर लाइफ दैट यू हैव मेड सिंस यस्टरडे, दैट्स द ओनली थिंग। काम करना हमारा धर्म है, टास्क खत्म करने हमारा धर्म है, वो करते रहेंगे, हम सारी जिंदगी करते रहेंगे। लेकिन अगर एक साल बाद आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो काम करने का कोई फायदा नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक। जब आप रात को जाते हो, लेटते हो, चाहे छत को देखते हो या टीवी देखते हो, या तो ऐसे देखता है बंदा लेटता है, या तो आज की डेट में ऐसे लेटता है, आप कैसे लेटते हो? ऐसे नहीं, पहले मैं ऐसे लेटता हूँ, फिर जब मेरी आंखें बंद होने शुरू होती फिर मैं ऐसे लेटता हूँ। ऐसे लेटता हूँ। तो व्हाट इज द थॉट, आई मीन से एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द लास्ट थॉट दैट गोज इनटू योर माइंड, मतलब मोटा मोटा कोई याद रहा? मुझे नहीं, दिस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, दिस इज वन थिंग आई नेवर लीव, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई डे। जब भी मैं उस मोमेंट में सोच रहा होता हूँ God, I've done a lot of things in my day, चाहे मैंने अच्छी की, बुरी की, मेरे साथ नुकसान हुआ, मेरा फायदा हुआ, नफा हुआ, कुछ भी हुआ, but I've done a lot of things in my day, so that journey is going on, and I've, you know, obviously learned a lot, I've enjoyed this life a lot, and I've enjoyed so much, so many things in life, I've enjoyed good food, so I just thank God briefly, किसी दिन भूल भी जाता हूँ करना, so किसी दिन I do it entirely in a detailed fashion, so yes, that happens for sure. अब मैं अगला सवाल पूछूंगा। जब आप सुबह उठते हो तो क्या सोचते हो? सुबह उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कि सुबह तो ऐसे ही उठता है। पहले सबसे पहले सुबह तो बंदा ऐसे ही उठता है या ऐसे ही? नहीं, सुबह ऐसे ही उठते हैं। सुबह उठ के तो मेरे दिमाग में टास्क चलने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं मैं कभी कर पाया। I have never achieved. मैं बताता हूँ कैसे उठता है। अगर आपके पास मैकबुक है और आप जैसी लिड खोलते हो ना और वो इमीडिएट शुरू हो जाती है, पर उठते ऐसे ही हैं,
रात को टाइम होता है कि जब सोते टाइम मैं भी परम सोचता हूँ, मतलब आई रिवाइंड द डे, आई मेरा पूरा स्पॉट एनालिसिस, प्रोज एंड कॉन्स, मतलब रात को वो 1-to-1 होता हूँ, बस वो रात को ही होता हूँ मैं, और ट्रैवल टाइम में. अब मैं ट्रैवल में, पहले सारा ट्रैवल टाइम में यूज़ करता था फ़ोन कॉल्स कवर अप करने के लिए, बिकॉज लोकेशंस इतनी ज़्यादा एक दिन में विजिट करनी है, तो मैं खुद उस टाइम मैं 1-to-1 मेरे में भी दिन में काफ़ी दफ़ा हो जाता है. एक बार तो होना चाहिए आई थिंक दैट मी टाइम शुड बी देयर. परम और मेरे में बहुत कॉमन चीज़ें हैं. ये कॉमन चीज़ नहीं है, वो ये है कि परम इज अ रीडर, ये पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता. आप ऑडियो बुक सुनते हो? नहीं, मैं बना के ही कंज्यूम हो जाता हूँ, बिकॉज मैं ट्रायल्स ही फिल्म्स के इतने बना के वर्क इन प्रोग्रेस देख के इतना कंज्यूम हो जाता हूँ ना, मेरे जैसे स्क्रीन प्ले में काम कर करके, फिर आई एम लाइक यार अब क्या पढ़ रहे हैं. मेरे जैसे पढ़ते रह जाएंगे आप, किसी दिन किताब लिख दोगे मुझे. नहीं नहीं मैं सच्ची में मैं कैसे बुक लिखूंगा यार, मैं किस पे क्या लिखूंगा. कोई बात नहीं, लिखने वाला कोई और हो जाएगा या हो जाएगी. लेकिन आप नरेट तो कर दोगे किसी दिन मुझे. ये वो लिखा होता ना बेस्ट सेलर, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर, वो तो हो जाएगा मुझे लग रहा है. देखो जितनी कहानी आपने जी ली है ना ये इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, एक किताब तो बनती है. मैं होप इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एपिसोड्स हो जाएं अगर, तो डेफिनेटली एक रीकैप जरूर लिखूंगा. बिल्कुल लिखना चाहिए. What's your experience about meeting so many people? This is also a spice of life. If you meet so many people, you actually add a skill to your. मेरी जो meetings रहती है ना उनकी financial value नहीं होती, emotional value बहुत होती है. It's not always about financial value. It's a skill added to your profile. It's a very emotional experience for me because हर बार मैं जिनसे मिलता हूँ, I have to connect for stories, and stories and life and inspirations and struggles. And highs and lows of life are so overwhelming. आपको पता आपने एक human library चला रखी है? There's a place in Netherlands. हाँ जहाँ they have a human library. अच्छा वहाँ पे books नहीं है. वहाँ पे you know people come together and talk to each other and share experiences. Generally people are very experienced जो वहाँ पे मिलते हैं. अच्छा मेरे को एक शख्स मिले हैं अभी recently. Photo भी आई थी ना इसकी internet पे. Oh yes, there was a monk sitting across the table with someone. So आपको एक human library मिली हुई है. You're talking to so many people. It's just that, you know, financially mat socho. It's just ke, you know, you're getting a lot of information out of everyone. And you are actually making the sense of life. जब इतने लोगों का तजुर्बा आपको सुनने को मिल रहा, और क्या चाहिए? चलो अब मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा. ओके, रैपिड फायर? नहीं, रैपिड नहीं है, टाइम भी ले सकते हो. इसमें अनप्लग्ड में क्या रैपिड करना है हमने. ठीक है, तो इसमें मैं आपसे ना जो भी सवाल पूछूंगा या तो उनके हाँ या नावे जवाब होंगे, या जो दो ऑप्शन दूंगा, दो तीन ऑप्शन, उनमें से ही आपने चुनना है. चलो ठीक है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज लुधियाना या चंडीगढ़? चंडीगढ़. ठीक है, ओके. इंटरनेट, OTT या सिनेमा? सिनेमा है. सॉरी, ओ हो, नहीं Guys, आप सारी जगह प्रेजेंट है. आप बस हमारी फिल्में देखें, हम आपको हर जगह मिल जाएंगे. नो, डू वॉच RFE, रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट फॉर श्योर, है ना. बट वो जो महीने में सिनेमा बंद थे ना, तो फिल्म हैड टू कम ऑनलाइन. OTT ना होता तो ऑनलाइन, बट व्हेन वन सिनेमास आर ओपन, देन वी रियली वांट, बिकॉज़ आवर टीम्स आर वर्किंग आवर साउंड पे, जो सराउंड साउंड इफेक्ट्स हैं, थ्रिल्स हैं, जो सिनेमा में आप डोर का खुलना इफेक्ट, चेजिंग सीक्वेंसेस, यार वो शूट तो सारे सिनेमा के लिए किया ना हमने. तो अब सारी जिंदगी अगर इसी पे निकाल देंगे तो एक्सपीरियंस खत्म. सो OTT एवरी डे, बट सिनेमा वन सिनेमा वो जरूरी है, मतलब दैट्स अ ट्रीट फॉर योर आईज एंड योर सेंसेस. अच्छा, सो व्हेन यू आर ऑन अ रोड ट्रिप, योर आइडियल प्लेस, यू ड्रीम अ प्लेस, यू वांट टू ड्राइव द बाइक और द कार? राइट नाउ कार. यस, कार. Preference of music, earphones या speakers? Speakers. अच्छा, any day a Maggie or a pizza? None of the above is the option or what? Option. अगर अभी कुछ मंगाना पड़ जाए. Pizza. Pizza? Yeah. ठीक है. परम से पूछा जाए और सवाल. परम, best startup nation office मोहाली, पंचकुला, हेडक्वार्टर, प्रीमियम, इनमें से कौन सा? वन दैट इज योर फेवरेट प्लेस टू बी, जहाँ विद यू स्पेंडिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम.
आपको ये सवाल पूछ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी जो कम्युनिटी मैनेजमेंट टीम्स हैं अलग जगह पे, तो उनको भी ये आंसर सुनने को मिलेगा कभी ना कभी। तो इसका जवाब शो पे देना है कि रहने देना है। I don't want to be impartial with anyone. But I think I like Panchkula office a lot. Because of the hills. Because of the landscape and there's a lot of relaxation. ये बहुत bustling है. It's always bustling. नहीं, it's good for the business. See. Good for the business, yeah. कई खाली जगह में मुझे परम कहते हैं कि जैसे वहाँ आप पंचकुला ऑफिस आ जाओ, आपके लिए तो राइटर्स डिलाइट है, आप वहाँ बाहर बैठ के स्क्रिप्ट लिखना। मैंने कहा चक्कर यही है, मैं दो दिन ऑफिस गया, लोग मिलने आने लग गए मेरे से। मैंने कहा यहाँ तो मैं डेफिनेटली नहीं लिख पाऊँगा। That's right. हाँ अच्छा, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आई हैव ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड परम ऑन द वे जिस तरह परम टाइज हिज टर्बन। इट्स अ वेरी यूनिक वे। एंड हाउ डिड यू लर्न दिस होल? अच्छा, यूनिक है ये। I really feel the way you are tying your turban, it really stands out. How did you learn this whole thing? I think I started early in my life. That's how I learned it. Who taught you this style? Yeah, बहुत सारे styles change हो गए हैं अब तो। ये दसवां बारहवां style. This has stayed the longest. This has stayed the longest. ये कोई चार साल पांच साल से तो यही है। अब मेरे पुराने style देख लो ना आप, शायद ये interview भी बंद कर दो बीच। बहुत कुछ चेंज हो चुका है। नहीं, दैट इज, पर हमने नहीं कहा कि यू शुड इवॉल्व, यू शुड ग्रो, यू शुड गेट बेटर विद टाइम। तो अच्छा, एंड शर्ट्स एंड टी शर्ट्स में तो आई हैव सीन परम वेयरिंग पोलका डॉट्स भी मैंने पहनते देखा है, बट टर्बन्स में व्हाट ऑल कलर्स? नहीं, इशारा किए नहीं पहने कौन सी पोलका डॉट्स? मैं यही बोलना चाह रहा था, परम खुद कन्फेस करेगा। परम, हाउ डू यू थिंक अबाउट हाउ यू ड्रेस? I think I dress very casually here. मतलब मेरा एक signature style है कि shirt बाहर और I never tuck in and jeans and shoes. और मेरे shoes, मेरे आसपास के कुछ लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं कि मेरे, मैं एक shoes ले लेता हूँ और इतने घसीटता हूँ कि because you know I don't want to think every day morning कि आज इसके साथ कौन से चलेंगे, उसके साथ कौन से चलेंगे. So it's very casual for me. I buy all the shirts that I can keep out of the pants and casual jeans and that's it. एक दो बारी तो ऐसा हुआ कि स्टेज पे बैठ गया था ये सब पहन के, तो पीपल वर स्टार्टेड यू नो दे स्टार्टेड डाउटिंग। मैंने भी नहीं, मैं भी साफ बताता हूँ, देखो मेरे टीम और मेरे घर वाले, घर से निकलता हूँ और उसके बाद मेरे ऑफिस की टीम, दे डिसाइड व्हाट आई वेयर। उसका रीजन क्या है, मैं उन्हें कहता हूँ यू टेल मी व्हाट आई शुड वेयर। रीजन बीइंग क्योंकि आई, व्हेन एवर आई एम टॉकिंग, या मैं परम से बात कर रहा हूँ या मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं देख रहा कि मैंने क्या पहना हुआ है, मैं तो सामने वाले को देख रहा हूँ। आई नेवर इवन लुक एट माई शूज़ कि मैंने क्या पहने हुए, बट आई थिंक अब मैं वही हैं जो रंग बिरंगे डाल लेता हूँ, बिकॉज बाकी जगह आइदर आई एम वेयरिंग ब्लैक और नहीं, आई एम वेरी कैजुअल। मैं कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ ज़्यादा, तो आई डोंट लाइक टू ड्रेस अप अ लॉट। मतलब बड़े बड़े इवेंट्स भी निकाल दिए इसी कैजुअल शर्ट और कैजुअल जीन्स में। जीन्स में नहीं, बट पॉइंट इज विद परम ऑन स्टेज और परम एड्रेसिंग लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड लॉट ऑफ पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो, परम नोज हिज जॉब, परम हैज हिज कंटेंट, हिज इंटेंट एंड हिज थॉट्स इन द राइट प्लेस। और आई थिंक आप किसी से भी मिलो, मेरा वही थॉट है, अगर आपका ध्यान कपड़ों में ही है ना, तो फिर आप वहाँ काम मत ही करने जाओ। देर इज़ अ फूड एंड ड्रिंक सेक्शन, आप वहीं पर ही स्पेंड करो एंड कॉम्प्लीमेंट पीपल ऑन देयर, वाह जी वाह क्या जूते डाले जी, वाह जी बहू जी की पेंट पाई है, की जीन पाई है, वेरी थिंग कुछ अलग से स्टैंड आउट करे वो हम जरूर अप्रिशिएट कर देते हैं। बट आई थिंक कंटेंट हैज टू डू, इसके पीछे एक लॉजिक भी है। You know, I don't want to fall in a lot of industries every day when I move out of my home. अब मैं एक फोन यूज कर रहा हूँ। हाँ, आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं? कौन सा फोन यूज कर रहा हूँ? Exactly. So this is one industry. That is why ये सारे covered and you won't able to guess कि भाई कौन सा फोन क्या है। Sir, reason और परम ने पूछा कि इसमें NFC है, मैंने कहा हाँ होगा, किसी एक में तो होगा, दो फोन रखे हुए। तो I don't want to fall in fashion industry every day. आप ऑडियंस को ये बताएं कि आपने रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट की लास्ट कौन सी फिल्म देखी है? मैंने जुबान देखी है। जुबान इज क्वाइट अ गुड वन। मतलब मैं मूवी देख के हमेशा यही सोच रहा होता कि ये इंसान लंबी मूवीज क्यों नहीं बनाता है। ये 20 मिनट में जो हमने लंबी फिल्म बनाई वो पर हमने पता नहीं देखी, नहीं देखी आपने? एडमिटेड देखी? एडमिटेड मैंने थोड़ी सी देखी आईलैंड जब बना दी तो ये एक तो ना ये डिमांड नहीं खत्म होती। देखो गाइस, एडमिटेड भी बनी है एंड हर लेंथ की फिल्म बनी है, चाहे एक घंटे की हो, 20 मिनट की हो, 5 मिनट की हो। आई हैव सीन जुबान, आई हैव सीन द अदर वन, द लास्ट डेट भी देखी है, लकी कबूतर देखी, लकी कबूतर भी देखी मैंने, लाइव देखी थी पीटीसी पे, जिस दिन पीटीसी पे आई थी। और बताओ, इससे तगड़ा फैन हो सकता कोई?
फैन नहीं, मजबूरी है। बाकी एक दिन पहले मिलके गए थे और इनको मैंने कहा था कल टीवी पिक्चर आ रही है, आप जरूर देखेंगे, और हमने देख ली होगी उस दिन, छुट्टी होगी और बाय गॉड इनका कोई सेमिनार नहीं होगा, इनके पास कुछ करने को नहीं होगा तो इनको खटका होगा, अरे टीवी लगा लेते हैं और जो सी पिक्चर आ रही है। इसको बोलते हैं किसी के ऑफिस में जाके कैमरा ऑन करके उसको धोना। पहली दफा कोई मिले मतलब मेरे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को नाम से भी नहीं बुलाते, फोन कर मैं फोन करता पर उनको पर हम था, हाँ जी भाई साहब भी बोलते हैं एक दूसरे को, है ना, पता नहीं आपको देख भाई साहब बोलने का मन यार मैं यू वेरी भाई साहबिश। इस शो के बाद हमारे बहुत सब्सक्रिप्शंस कॉल ऑफ हो जाएंगे तुम्हें पता है, और अगर लोग एंडेड जो परम यू कैन शेयर मी एक्सपीरियंस फनी एक्सपीरियंसेस ऑफ व्हाट हाउ पीपल अप्रोच यू, आधी रात को कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ भी है, मतलब लेट्स गेट सम फन आउट ऑफ यू कि भाई स्टार्टअप मीट्स में क्या होता है, मतलब इफ यू कैन इफ यू आर फ्री मैं आपको एक्सपीरियंसेस बताता हूं। हां ये परम मदद एक बात है ना, किसके किस तरीके की स्टार्टअप नेशन में कितना जोर लगता कई बार, यू नो दिस इज स्पेशली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स जिनको लगता है ना कि हम बीन बैग ले लेंगे दो चार बैठ जाएंगे पिज्जा ऑर्डर कर देंगे वो एक कूल सा ऑफिस होगा जिसमें गेम्स वेम्स फूसबॉल पड़ी रहेगी, तो ये स्टार्टअप होता है, फिर इन्वेस्टर आता है वो सबको ऐसे ब्लैंकेट अडॉप्ट करके ले जाता है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमें रात को 3-3 बजे भी फोन आए हैं कि ऑफिस में जी एक पंखा चल रहा था पिछले 3 दिन से किसी ने बंद नहीं किया, उसको आग लग गई है and it fell down on the furniture. I rushed to the office. रात को 3 बजे office boy एक है मेरे पास, vacuum cleaner एक है मेरे पास उस situation में, मैं खुद कपड़े लेके चार I am cleaning the dust from that ceiling. No, the dust from that fire extinguisher. जब fire extinguisher चलाते हैं तो उसके बाद एक white color का वो पूरा carbon हो जाता है सारा. So now the space had to be made ready for the next shift. Which was in 30 minutes. People had to come in. And I've myself done that. कपड़े लेके हमने सारा साफ किया है पूरा A to Z. And खुद का and that fire extinguisher dust is such you cannot inhale it. Correct. तो पहले तो मुंह पे कपड़ा बांधा. So there has been a lot of instances. रात को एक बार सांप आ गया हमारे ऑफिस. ऑफिस में कहाँ पे? चलो ये नहीं बताना. This is a very old thing. But we can avoid this one. हाँ. नहीं but चलो आ गया. अभी चीजें होती हैं पार्किंग में आ जाता है कहीं आता है बट ऑफिस के अंदर आ गया ओके तो काफी सारी चीजें होती हैं। रात को बहुत फोन आते हैं, वी हैव अ पार्टनर सिमरनजीत तो वो इतना डेडिकेटेड है, रात को इंटरनेट का इशू आ जाता है कभी कि इंटरनेट इज नॉट वर्किंग एंड देयर्स बीन अ ग्लिच फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स सो ही ट्रैवल्स फ्रॉम हिज होम टू द ऑफिस टू फिक्स एवरीथिंग एंड मेक श्योर कि एवरीथिंग इज वर्किंग एंड ही मीट्स एवरीवन एंड डील्स विद एवरीवन एंड देन गोज बैक तो ये सब चीजें भी होती हैं। आपको कई बार ऐसा नहीं होता कि यू नो आप रिलैक्स्ड हो गए हो, काम चल रहे हैं, अपने आप चलते रहेंगे, व्हेन यू आर रनिंग अ 24/7 ऑफिस ऑपरेशन तो कुछ भी आ सकता है रात को। गाइस स्टार्टअप नेशन कोवर्किंग स्पेस में इट इज अवेलेबल 24/7 है ना, 24/7 यू कैन रन योर बिजनेस ऑपरेशंस 24/7 और परम जब आप मतलब निकलते ऑफिस से तो आर यू रियली शट डाउन और यू आर ऑन हाइबरनेशन या आप मतलब बैक ऑफ द माइंड पता ही है कि ये चीज़ अब इतनी जगह चल रही है कहीं से भी कुछ भी बुलावा आ सकता है। यू नेवर शट डाउन, आई थिंक अब मैंने फोर्सिबली अपने आप को शट डाउन करना शुरू कर दिया बट यू नेवर शट डाउन, मतलब घर जाकर भी कुछ ख्याल आया था वो यार वो चीज़ रहेगी ये रह गया, फिर लैपटॉप खोल लिया फिर बंद कर दिया 10 मिनट में, सो थिंग्स हैपन बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ हेल्थ कि आप चीजों को शट डाउन करो, करना सीखो। ये आप खुद चाय ले गए? हम मल्टीटास्कर हैं। Where's the office boy? हम मल्टीटास्कर हैं। थैंक यू गाइस, डिजाइनिंग भी करते हैं और ये स्टार्टअप्स के हाल स्टार्टअप्स के यू आर ऑलवेज 24/7 हाँ। तो कभी थोड़ा सा लगता नहीं क्या सारा टाइम लगाऊं काम में? मतलब बहुत लगता है यार, मतलब मैं तो लोग मुझे अब बोलने लग गए हैं कि आप ना बहुत ज्यादा पंगे ले लेते हो, रोज सुबह उठ के नया पंगा ले लेते हो, ये भी करते हैं वो भी करते हैं ये भी करते हैं, आपको सारा कुछ आज ही करना है। सो माई टीम ऑल्सो सेज मी दिस कि सर दिस वॉज ऑलरेडी वर्किंग, आपने नया शुरू कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो कभी कभी लगता है यार यू गेट यू नो ओवरबर्न। योर टीम हैज स्टेड विद यू? माय टीम हैज स्टेड विद मी, आई हैव अ बिग टीम
स्टार्टअप में अलग है, आई टैपेट में यू नो पीपल लाइक परमिंदर एंड देन देयर इज निमरित इन आइकॉनिक नाउ, शी इज टेकिंग द लीड इन आइकॉनिक. सो टीम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि मजा ही तब आता है जब आपका रिलेशनशिप बने किसी के साथ, काम करके मजा ही तब आता है. जब आप किसी भी नए वेंचर में आप हाथ डालते हो या कोई भी आप नया कुछ भी जिसको कहते हैं ना स्टार्टअप, वेंचर इज बेसिकली स्टार्टअप, यू स्टार्टिंग अप विद दैट आइडिया, आई कॉल दैट एज अ स्टार्टअप. तो सबसे ज़्यादा ख्याल, बिकॉज आपने बहुत दफ़ा इन्वेस्ट किया है एंड देन यू स्टार्टेड विद न्यू आइडिया, सम आइडियाज हैव वर्कड, सम आइडियाज हैवंट वर्कड, द वंस हु व्हिच हैवंट वर्कड गिव द लर्निंग, आई ऑलवेज से दैट देयर इज अ बिग लर्निंग, व्हिच वर्क यू कंटिन्यू विद देम. बट जब भी आप कुछ नया करने लगते हो, इज इट जस्ट द आइडिया और यू हैव लॉट ऑफ कंसिडरेशन कि हाँ आप मुझे ये 10 चीज़ों का भी इस बार ख्याल? नो नो, देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ कंसिडरेशन, देयर इज अ प्रोसेस जो हम लेते हैं कि यू नो विल दिस वर्क और कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, व्हाट ज्योग्राफीज आर वी टारगेटिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ वी कांट सेल इट टू आवरसेल्व्स, वी कैन नॉट सेल इट टू एनीवन एल्स. मैं अगर कहूँ कि एक सक्सेसफुल वेंचर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी, उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट उसके ड्राइविंग फैक्टर्स क्या आपको लगते हैं? आई थिंक टीम सबसे इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो अगर आप पैसा भी डालते हो तो पैसे से भी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टीम ही है. जितनी टीम होती है, जितने अच्छे लोग आपके साथ काम करते हैं, तो उतना आप उसका आउटपुट लेके आते हो. सो टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बिल्ड दिस टीम लाइक योर फैमिली एंड मज़ा भी तभी आता काम करके. अदरवाइज यू नो यू हायर एंड फायर पीपल एवरी डे, इट डजंट मेक सेंस. सो प्लस मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कैश फ्लो हैज़ टू बी देयर. लोगों को लगता है पता नहीं दो साल हम नेगेटिव कैश फ्लो में काम करते जाएँ, रेवेन्यू ना आए. सो दैट इज़ हाउ अ स्टार्टअप इज, बट आई थिंक चलो सर्कमस्टांसिस अपार्ट कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है. एंड पैसा डालना भी इंपॉर्टेंट है, पैसा निकालना भी इंपॉर्टेंट है. आपकी डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. मतलब कई बार तो ऐसा होता है रोज सुबह उठ के ना आप को अपने आप को पुश करना पड़ता है यार, क्या पंगे में पड़ता है. समटाइम्स हुआ ऐसा कि आपको लगा हो कि मेरा आइडिया है, मुझे पता है वेयर आई एम हेडिंग, बट माय टीम, मेरी टीम को नहीं समझ में आ रहा है, मेरी टीम कह रही है ये ठीक नहीं हो रहा, बट मुझे लग रहा है कि ठीक हो रहा है. ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बारी हुआ है, बहुत बारी हुआ है. देयर इज अ डिस्कनेक्ट ऑलमोस्ट एवरी डे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू ओवरकम दैट डिस्कनेक्ट. मतलब आप, इसका मतलब आप में प्रॉब्लम है ना, आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे अपनी टीम को कि आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द विजन एंड मिशन ऑफ दिस कंपनी. तो वो आप ही में इशू है. दैट्स व्हाई आई से कि इट्स अ जर्नी. आप एक दिन में सब सही नहीं कर सकते. करेक्ट. इट्स अ जर्नी. आपको खुद को भी देखना, आपको टीम को भी देखना. यू हैव टू क्यूरेट योरसेल्फ एंड योर टीम एंड योर प्रोडक्ट एवरी डे बिना थके. So every day you are strategizing, re-strategizing, कुछ ना कुछ plan, change of plan. You have to do it. Yeah. पर हम अगर हम एक छोटी टीम और एक बड़ी टीम में डिफरेंस देखें तो हाउ डू यू फील कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस आता है? छोटी टीम्स में ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट होती है, बट टीम जब बड़ी हो जाती है तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हम खुद ही बनाते हैं. करेक्ट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ताकि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ताकि हमारे कम्युनिकेशन में कोई इशू ना आ जाए. सो ऑल द फेजेस आर इम्पॉर्टेंट. छोटी टीम है, यू आर 3 पीपल, वी सेट अक्रॉस द टेबल, वी मेक टेक डिसीजंस एंड वी जस्ट इम्प्लीमेंट इट, तो उसका अलग मजा है. और जो बड़ी टीम है, आई थिंक दैट प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड विद टाइम, बिकॉज व्हेन द स्केल इंक्रीजेज यू कैनॉट बी कैजुअल इन योर कम्युनिकेटिंग अप्रोच, यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग. तो परम, आज के आपके इस उमदा इंटरव्यू और परफॉर्मेंस के लिए हम आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स. So this is from Aroma Musk for Param Kalra, perfected nice. By nature. Thank you, yeah. Thank you so much. And this hamper is from Elisto's. Do hamper mil. Do hamper. Aaj aapne double performance di hai. Aapne mere hisse ki bhi performance di hai. Jada performance di hai. This is from Elisto's to Param Kalra. Thank you, yeah. Thank you so much for all the absolute brilliant work that you are doing in encouraging the youth. जब आप youth को encourage करने के लिए जो आपने काम किया है, पूरे startup community के लिए यहाँ काम किया है, आपने इतने लोगों को employment दी है, इतने लोगों को एक वर्क प्लेस दिया है. मैं इतना ही पूछूँ कि कितने लोग अभी seated हैं startup nation में? If we see the approximately 800 seater facility है जो हम manage कर रहे हैं, हाँ,
तो 70% 65-70% ऑक्यूपाइड है हमारा 800 नहीं कुछ मैं बोल चुका हूँ पहले कुछ एरियाज इनके सोल्ड आउट हैं वो जो टोटल का बता रहे हैं कि 70% हाँ टोटल का एचक्यू सोल्ड आउट रहता है हमारा ये प्रीमियम इज वेरी नाइस तो कितनी को कंपनीज बैठती होंगी यहाँ पे 50+ कंपनीज हैं हमारे पास 50 कंपनियाँ इनके ऑफिस में बैठती हैं एंड बिकॉज दे ट्रस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं थैंक्स टू देम They've been sitting with us for like 4-5 years. हाँ जब starting में मैं मतलब 4 साल पहले जब मैं office जाना शुरू हुआ था तो वो तब भी थे वो आज भी थे उनके थोड़े work timings या शायद मैं ही odd hours जाता हूँ हमारे कुछ clients day one से हैं हमारे साथ अभी भी हैं तो उनसे आप बात करते तो उन्होंने क्या नोटिस किया उन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी है कैसे हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं ऑफिस स्पेसिंग में So it feels very nice here. मतलब उनसे हमें genuine feedback भी मिलता है and we trust their feedback as well. अगर हमें कुछ नया करना होता है so we approach them and we tell them this is what we are doing. Even I've given them these cards, iTapet cards I've given them कि ये देखो मैंने नया वेंचर शुरू किया है and they feel very happy and they give a genuine feedback. और हम उनका ऐसा होता है ना आप सबका feedback भी trust नहीं कर सकते Correct. तो किसी का कुछ होता है there are very few people whose feedback you can trust. Right, until as they are your absolute users, तो उनका feedback हम बड़ा trust करते हैं, तो they are very important for the community that we have. मेरी और परम की बातें यूं ही चलती रहेंगी. हम off the record भी बहुत बात कर रहे हैं, but अभी भी हमने बहुत सारी बातें off the record की हैं. मैंने तो नहीं, परम ने मुझे काफी roast किया आज के इस episode. मैं कहते आपको देख के भाई साहब ही निकल. नहीं बिल्कुल सही. तो एक वो बड़ा अच्छा सा हमारा रिलेशन है बड़ा इज्जत वाला रिलेशन है और ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे की तैसी कह रहे चलता ही रहेगा है ना तो यूं ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ आरएफई अनप्लग पे मैं हूं ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं परम कालरा और आप हमें यूं ही देखते रहिए रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड